अब से कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। निर्वाचन आयोग जल्द ही उनकी तारीखों का ऐलान कर सकता है। एक नई सरकार बनेगी जो नए मुद्दों को लेकर आएगी, जनता के बीच जाएगी, उनसे अपने अपने वादे करेगी और वोटर को लुभाने का प्रयास करेगी। तो हमारे साथ ये पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थी हैं। ये केवल वोटर ही नहीं है, इनकी एक समाज के प्रति जिम्मेदारी है, क्योंकि यहीं से चैनलों में अखबारों के लिए पत्रकार निकल के जाएंगे और इनकी जो समझ होगी वो दूसरे लोगों से थोड़ी सी अलग होगी, ज़्यादा होगी। तो हम इनसे ये लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे, आने वाली सरकार से लोग या ये बच्चे क्या अपेक्षा करें, ये पूछते हैं। आप बताओ कि ये अब एक सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर से नए चुनाव में जा रही है, तो ऐसा क्या मुद्दा रह गया जो अधूरा रह गया, जिसको आने वाली सरकार को पूरा करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि जो हम बुनियादी आवश्यकताओं की बात करते हैं समाज के बीच में, शिक्षा, स्वास्थ्य और एक रोजगार की बात करते हैं, आवास की बात करते हैं, तो यहाँ पे कार्य करने की आवश्यकता ज़्यादा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हम देखते हैं और भी बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री और मोदी गवर्नमेंट के माध्यम से आई हैं, लेकिन अभी भी एक चीज़ यह है कि अगर हम समाज में एक बुनियादी स्तर पर शिक्षा को अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी खामियां वहाँ पे नज़र आती हैं, केवल छात्रों में नहीं शिक्षकों में भी बहुत सारी खामियां नज़र आती हैं। तो प्रयास ये रहना चाहिए गवर्नमेंट का आने वाले समय में कि शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित जो अपरिपक्वताएं हैं समाज में और व्यवस्था में, तो उसको सही करने का प्रयास करें, एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, वोटर खासकर महिला, पिछला विधानसभा चुनाव तो वैसी आबादी आधी आबादी के नाम पे लड़ा गया महिलाओं के नाम पे, तो क्या लगता है सचमुच में ये जो सरकारें होती हैं, नेता होते हैं, ये लड़कियों की सुरक्षा या महिलाओं की योजनाओं पे काम करते हैं कि अभी भी इस पे जरूरत है काम करने की? बोलते तो सब है, लेकिन अभी तक बहुत रेट बढ़ चुके हैं, रेप केसेस बहुत हो गए हैं, और क्या होता है रेपिस्ट को बोर्ड एग्जाम देने के लिए उसको बेल दी जाती है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर रेपिस्ट है तो उसको अंदर रहना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए बराबर से। तो ये जो महिलाओं से जुड़े अत्याचार है, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और सब 20 के नीचे होती है, सब लड़कियां 20, तो इसलिए ये चीज को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये छात्रा का कहना है कि जो महिलाओं से जुड़े अपराध हैं, उनके जो अपराधी हैं उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको किसी तरह का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आने वाली सरकार, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर पर भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी आ गई है। लोग आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके बाद उनका ले ऑफ हो रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, लोगों की शादियां देर से हो रही है, जिसके कारण टूट भी रहे हैं लोग, मनोस्थिति टूट रही है। तो सबसे जरूरी मुद्दा बेरोजगारी रहेगा इसमें, मतलब रोजगार के जो अवसर नई सरकार को ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि सरकार जो आने वाली उसके सामने क्या चुनौतियां होंगी? चुनौतियां ये होनी चाहिए कि वो लोगों को रोजगार दे, आवास दे, और जहां लोगों की काफी दिक्कतें हैं उसका सही सामना करे, सब जो लोग हैं किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो उसको दूर करा जाए। जो विज्ञापन आते हैं लोग देते हैं कि हमें इसे, अभी अपन जाते हैं एसपी ऑफिस में, लोग इतने परेशान रहते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं पुलिस वाले, या फिर सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये कह रहे हैं सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ एक बच्ची है, आप बताओ बेटा, ये जो जा रही है सरकार, क्या ये सही जनता की कसौटी पे उतरी है? देखिए, जनता और मैं कहती हूँ ऑपोजिशन एक ही तराजू पे होने चाहिए, क्योंकि वो क्रिटिक होने चाहिए हमेशा। साथ ही मैं ये बोलना चाहूंगी कि सरकार की बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जरूरत है हम जैसे यूथ, जैसा इन्होंने अभी बोला कि एम्प्लॉयमेंट पे बात करनी चाहिए, आप अपना एजुकेशन, अगर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं इंडिया के अंदर इस टाइम पर, अगर आप उसको अवेल करते हो तरीके से, आप अवेल कर पाओगे आपको पता होगा। तो पहले आपको अवेयर होना है, ये बैठ के क्रिटिसाइज करना वो हमारा तो एक कह सकते हैं कि ड्यूटी है, बट सरकार इतने टेन्योर में उन्होंने जितना हो सकता है काम किया ही किया है, आपको अवेयर होना चाहिए। और जैसे आप एजुकेट होगे, आप खुद का स्टार्टअप करो ना, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, कहीं ना कहीं सरकारी सेक्टर में मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा नौकरियों की कमी वो बोल सकते हैं, बट वहां पर भी अगर आप 100% देते हैं और आपके अंदर अगर काबिलियत है, तो कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी अप्रोच आपको नहीं रोक सकता है, आपको अपना 100% देना चाहिए। प्लस नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए ये बोलूंगी कि अगर इन केस यही गवर्नमेंट रिपीट होती है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि बहुत हद तक इस सरकार ने भी बहुत अच्छा अपना जो भी उन्होंने बोला था किया है, हर बार 100% नहीं करता। अभी एक आंकड़ा आया है कि जो 22 से 24 साल के युवा है उनमें बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, तो सरकार ने क्या इस मोर्चे पे अच्छा काम किया? अगर किया होता तो
ये आंकड़े क्यों आते? मैं कल ही एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रही थी, मोदी जी ने एक लिंक डाली है जहाँ पे आप खुद को एनरोल कर सकते हो, उन्होंने गारंटी तो दी है कि आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, क्योंकि उन वो पीएम है और एक्टिव भी रहते हैं, उनको पता है कि जनता और बेसिकली यूथ क्यों परेशान है, तो इससे काम होगा, बिल्कुल अवश्य होगा। और जो आप बोल रहे हैं ये एज का जो 22-25 तक, देखिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी यूथ को, मैं ये बोलूं। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि यूथ को भी खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, केवल सरकार के भरोसे नहीं रहना। आपको बेटा क्या लगता है ये जो अभी चुनाव आने वाले हैं तो किस तरह के वादे नेता करने वाले हैं और कितने उनके वादे खरे होंगे? अभी तो नागरिकता संशोधन के लिए निकाला है, तो पहले तो है ना भारत की है ना नागरिकता को देखना चाहिए। किस तरह से मतलब देखना चाहिए? अभी नागरिकता संशोधन का क्या है सरकार का? केवल पॉलिटिकल एजेंडा है, 4-5 साल चुप बैठे थे फिर से ले आए, या सचमुच में सरकार गंभीर है? उनका तो कहना है कि जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से है ना जो भारतीय परेशान है, ये नहीं भरोसा है कि है ना वहां से मुस्लिम भी आ सकते हैं, और यहाँ पर भी है ना कुछ नागरिक परेशान है, उनको भी देखना चाहिए आगे। मतलब मुस्लिमों को भी अलाउ करना चाहिए वहां के जो परेशान है, आप कहना चाह रही हो क्या? ऐसा तो नहीं। अच्छा चलिए, आपको क्या लगता है बेटा ये जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, सरकार या विपक्ष क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके जाएगी और जनता किस आधार पे उनको वोट करेगी? देखिए वो तो हर रोज नए नए वादे करेंगे कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे, मेन ये कि वो कुछ करें, क्योंकि वो मुद्दे कह रहे थे हम ये करेंगे, आप हमको वोट दीजिए हम वो करेंगे, बट वो करते कितना है हमें वो देखना है। और मुझे तो मेन ऐसा कि वुमेन सेफ्टी को लेके मुझे ज्यादा है, क्योंकि नारों से ज्यादा काम करने की जरूरत है। हाँ, उनको ज्यादा काम करना है, क्योंकि वो सिर्फ बोलते ये करेंगे, वो करते नहीं है, हमने वादे वादे कर देंगे, जो उनको जीत जाएंगे वोट मिल जाएंगे तो वो फिर पलट जाते हैं। तो वोट देके ये करीब बच्ची पलट जाते, तो उनको सचमुच में नारों से आगे निकल के काम करना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो नया चुनाव है ये किन मुद्दों पर लड़ जाएगा? या महिला सुरक्षा के लिए जो सरकारें बात करती, सचमुच में वो काम होता है कि नहीं होता? जी नहीं होता है। नहीं होता जी नहीं। तो क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जो नई सरकार आएगी? नहीं। आपको क्या लगता है जो महिला सुरक्षा के इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बहुत सारी कमेटियां बनती, कोई घटना होती तो सरकारें बिल्कुल ऐसा बताती कि उनसे अधिक ऐसी कोई नहीं, सचमुच में क्या धरातल पे ये चीजें होती हैं महिलाओं की, सचमुच सुरक्षित महसूस करती हैं बच्चियां हैं महिलाएं? बिल्कुल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं, आपने भी देखा है, और उनके लिए कुछ ऐसा होता भी नहीं है, तो महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। तो ये आने वाली जो सरकार होगी उसको इस पे सचमुच में गंभीर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो बच्चे कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा के मामले में सरकारें बात तो बहुत करती हैं लेकिन उतनी काम होता नहीं है, और जो उनकी तकलीफ है बच्चियों की या महिलाओं की वो अभी भी असुरक्षित महसूस है। हमारे साथ कुछ और बच्चे भी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या लगता है कि ये जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में ये जो सरकार है आने वाली, ये अपने किन वादों को लेके जाएगी और विपक्ष के क्या दावे होंगे? सर पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, पहले एडवर्टीजमेंट पे उनको कम ध्यान देना चाहिए इस वक्त, सरकार को, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पे जितना वो खर्चा कर रहे हैं उतना अगर वो काम पे ध्यान देते, काम से ज्यादा विज्ञापन, काम से ज्यादा विज्ञापन की सरकार है इस वक्त, अगर वो काम पे ध्यान देते तो बात कुछ अलग ही होती। और ओपोजिशन को क्रिटिसाइज किया जाना वो चीज सही है, लेकिन अगर जो पावर में है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पा रही मीडिया भी, या उनसे कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको प्रॉपर अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो ये चीज थोड़ा सा दिक्कत है। मतलब पत्रकार, भावी पत्रकार को लगता है कि मीडिया सही काम नहीं कर रही? हाँ सर बिल्कुल, वहाँ पे अभी हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, हम लोग भी जाते हैं जैसे, तो वो चीजें हम लोगों ने फेस की हैं। ये साथी कह रहे हैं कि मीडिया को भी जनता के हित में काम करना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव जल्दी होने वाला है, इसमें क्या मुद्दे ऐसे होंगे जिससे जनता का मानस बनेगा कि वो किसको वोट करेगी? देखिए आने वाले चुनाव में सरकार से सबसे बड़ी अपेक्षा ये है कि किसी भी विकासशील देश को विकसित बनने में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसमें ग्राम उद्योग, छोटे छोटे जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो खुलना चाहिए, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी जब ही किसी, तो कोरोना के बाद छोटी इंडस्ट्री तो बंद हो गई, वही तो गलत हुआ है ना। लोगों की आय खत्म होना अपराध को बढ़ावा देता है। जितनी भी अपन घटनाएं देख रहे हैं, चोरी की, लूट की, डकैती की, जब आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा कुछ तो करेगा, वो खाने के लिए जब उसके पास व्यवस्था नहीं रहेगी तो कुछ ना कुछ करके प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि राम के साथ साथ रोटी की भी बात करनी चाहिए? जी बिल्कुल, राम के अलावा रोटी की बात भी होना चाहिए, क्योंकि ये देश आज तक इतिहास है कि कोई भी जंग
खाली पेट नहीं जीती गई है। तो पहले रोटी की व्यवस्था की जाए, धर्म तो अपन देख ही लेंगे। भगवान ने तो कहा है कि भगवान ने भी अपने कर्म किए, सरकार को भी अपना कर्म करना चाहिए, रोजगार बढ़ाए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाए, कुछ ना कुछ वो ऐसे काम करे जिससे कि आय का स्रोत बने। आपको क्या लगता है ये जो मोदी सरकार थी, दूसरा कार्यकाल था, आप 10 में से इसको कितने अंक देंगे? अंक पहले कैसे दे दें, जहाँ दीवार नहीं खड़ी हुई होती है वहाँ एम्स की फोटो आ जाती है कि यहाँ एम्स बन गए, रातों रात सिर्फ एक मेट्रो रख दी जाती है उसका उद्घाटन हो जाता है, पटरियां गायब रहती हैं। तो सिर्फ विज्ञापन या सिर्फ एक फोटो दिखा दिखा के आप कितनी राजनीति कर करके दिखाओगे? विकास भी तो दिखाइए हमें, एम्स कहाँ है, रोजगार कहाँ है, कितने कॉलेज बने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, ये कहाँ पर है? तो ये जनता जब वोट देने जाती तो इन मुद्दों को, इन जो आप कह रहे हो, इसका ध्यान क्यों नहीं रखती? देखिए ना, वही वही सरकारें फिर से वापस आती हैं और वोट उन्हीं को क्या है? वो जैसे चमचों की जो बात कही जाती है, जैसे पढ़ा लिखा आदमी इंजीनियर बन सकता है, जब तक वो MBBS नहीं करेगा डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन बिना पढ़ा लिखा आजकल पत्रकार जरूर बन जाता है। उसने अपना कैमरा उठाया और फेसबुक पे चालू हो गया, उन्हीं के लोग हैं जो दिखाया जाता है वो समझ, जनता भ्रमित होती जाती है। अभी भी नेता जो है या सरकारें जनता को भ्रम में डालने का काम कर, बहुत बड़ा भ्रम का काम चलता है। तो ये कह रहे कि जनता या सरकार जो है या नेता जो है या मंत्री है जो, वो जनता को भ्रम में डालने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है बेटा, जो नई सरकार बनने जा रही है, आप अपना वोट का अधिकार देंगे तो क्या सोच के वोट करेंगे? सबसे पहले तो गर्ल्स की सेफ्टी होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज अच्छी होनी चाहिए, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा में भी ज्यादा महिलाओं की जिम्मेदारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, मतलब जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो क्या ऐसा सरकार करे कि भाई महिलाओं की सुरक्षा है या महिलाओं की योजना है, महिलाओं को भी घर से बाहर निकल के काम करने का अवसर मिले, तो ऐसा क्या है जो सरकार करे तो उनको कंफर्ट महसूस होगा? पहली बात तो महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए, उनको अपने लिए कुछ करना चाहिए, उनकी उनके घर वालों को पहले समझाना चाहिए कि महिलाओं को निकलना बहुत जरूरी होता है, अगर वही नहीं निकलेंगी तो फिर क्या ना? क्या अपेक्षा है नई सरकार से आपको? जी मेरी तो यही है कि एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी तो मैं खुद 18 साल की हूँ तो मैं इस टॉपिक पे ज्यादा नहीं बात कर सकती, बट मैंने 18 साल का वोटिंग राइट मिल गया तो आप नहीं बात वोटिंग कर सकते? तो मिल गया, बट हाँ अभी मैंने वो करियर वाइज कमाना शुरू नहीं किया, बट मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है मेरे आसपास कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं बट अभी तक उनको उनकी हिसाब की नौकरी नहीं मिली, उनकी उनकी जगह कोई अनडिजर्विंग बैठा हुआ है अभी भी उस जगह पर। तो मैं ये चाहती हूँ कि एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े तो जिससे ऑटोमेटिकली इकोनॉमी भी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है बेटा, सरकार नई सरकार क्या ऐसा करे कि जनता खुश हो जाए, बल्ले बल्ले करने लगे? यही है कि सिर्फ वादे ना करके वो काम भी करना शुरू कर दे, क्योंकि सरकारें सिर्फ वादे ही करती है, काम अभी तक कोई काम दिखा नहीं है ऐसा बड़ा। साथ ही इस साथ में ये वुमेन बिल तो पास कर दिया कि इतने सारे औरतें बैठेंगी, लेकिन सरकार में खुद कितनी है औरतें? उसमें भी खतरा है कि नेतों के बहनें बीबियां और हाँ वही लोग जाके वही सब जाके पहुंच जाएंगे जो एक्चुअल में जो है उनको मौका ही नहीं मिलेगा कभी भी। तो ये कहने की सचमुच में महिलाओं को अगर सही में मौका मिले तभी आगे बात बन सकती है। आपको क्या लगता है नई सरकार से क्या अपेक्षा करता है वो? तक पहले तो वुमेन सिक्योरिटी और उसके बाद एजुकेशन में भी, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को ढंग से पढ़ाते नहीं है, मतलब फालतू की बकवास करते रहते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई का स्तर है उसको बढ़ाने की जरूरत है। yes, आपको क्या लगता है बेटा, ये जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है आप भी अपना वोट डालोगे? वोट डालने के अलावा आपकी एक समझ अलग होगी क्योंकि आप पत्रकारिता के विद्यार्थी हो, ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए और विपक्ष को उनको उठाना चाहिए ताकि जनता में सही जागृति आए और अपने वोट का वो सही ढंग से उपयोग कर सके? देखिए, जनता को सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक चीज है ग्रासरूट लेवल में जो प्रॉब्लम्स है उनको करेंगे ताकि आगे चल के फ्यूचर हमारा सिक्योर होगा हर एक, मतलब एज अ होल ऑफ कंट्री। तो अभी सरकार को पूरा फोकस करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल में, हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ताकि ये सारी जो और ग्रासरूट लेवल में ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सिटीज एंड ऑल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाना चाहिए और हेल्थ केयर सिस्टम में जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं जैसे कि गांव देहात में, वहाँ पे अभी भी बहुत समय लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है वहाँ पे। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं शिक्षा स्वास्थ्य, इन पे अभी भी काम करने की जरूरत, बहुत जरूरत है, क्योंकि आज भी हमारे हम जो चीजें पढ़ रहे हैं बीए के छात्र हैं ये बहुत ट्रेडिशनल कोर्स है, लेकिन इसमें भी किसी भी तरह का एडवांसमेंट नहीं आया है। मतलब स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है सरकार को स्कूल लेवल से ही शुरू कर देना चाहिए, कहने का मतलब बिल्कुल। और एक्चुअली हमें स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस भी कराना चाहिए नए टॉपिक से, जिससे हमारा एक वैल्यूएशन हो हमारे करियर्स में, जिसमें आगे चल के हम बाहर जाके चीज़ों को फेस कर सकें, ना कि हमें एक डिग्री मिल जाए फिर उसके बाद काम चलो। डिग्री के साथ हमें एक नॉलेज होना चाहिए और एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी मिले ताकि हम अपडेटेड रहे, और कोर्स में नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए क्योंकि समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, और सरकार को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि आने वाले लॉन्ग टर्म पर भी हमारे पास
मतलब सस्टेन कर सकें उस चीज में। तो ये पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थी हैं जो कह रहे हैं कि डिग्री के साथ नॉलेज भी बढ़ाना चाहिए, और जो छात्राएं उनका कहना है कि महिला सुरक्षा के जो नारे होते हैं उन पे नारों से आगे बढ़कर उनकी सचमुच में सुरक्षा का काम करना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ या शिक्षा की जो बात है उस पर सरकार केवल वादे ना करे और उस पर सचमुच में सुधार करे, तो वो आने वाली जनता के हित की सरकार हो सकती है। और उनका कहना है कि इसी मुद्दे पे हो सकता है ये जनता जो है इस लोकसभा चुनाव में वोट करे। अजय त्रिपाठी, ABP News, जबलपुर।